एवरी वन सो मैं हूँ भावना बात्र फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून थ्री सिक्स नाइन से आप सभी की कार्ड रीडर और आज हम चेकआउट करने वाले हैं कि आपके पर्सन दिन रात क्या कुछ सोच रहे हैं क्या कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है आपको लेकर आपके रिलेशनशिप को लेकर ठीक है तो ये आज हम जाने वाले हैं आपके पोर्सन के लिए लेकिन उससे पहले अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ आप चाहते हो ना मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोज बनाऊँ तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करना है तो गाय सबसे पहले तो अगर आप चाहें तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको काफ़ी अपडेट्स फ्री रेमेडीज मिलेंगी ठीक है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है और सेकेंडली मैं एक न्यू टारोट कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ मार्च तो अगर आप टारोट कोर्स करना चाहते हो मेरी तरह एक टारो रीडर बनना चाहते हैं ठीक है और इन कार्ड्स को अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चलिए तो आगे चलते हैं Uh, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है यानी जितने पर्सन इसे देख रहे हैं उन सभी के साथ ये रेजोनेट होगी किसी स्पेसिफिक पर्सन की नहीं है कभी भी आप इसे देख सकते हो तब ये आपके साथ रेजोनेट करेगी ठीक है जब भी आप इसे स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम देखते हो और जब मैं कार्ड को शफल करूं तो अपने पर्सन के बारे में सोचते रहें ये जो रीडिंग है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है यानी अगर आप और आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में है तो ये रीडिंग आपके लिए है चलिए देखते हैं कि क्या कुछ सोचते रहते हैं आपके पर्सन दिन रात उस रिलेशनशिप को लेकर तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स इन जिल्स गाइड्स बताएं मेरे व्यूवर्स को उनके पर्सन के थॉट्स ओके सो सबसे पहले ही कार्ड में जहां पर आप देखोगे कि थिंकिंग दिख रही है यानी आपके पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं ओके okay. और ये सोच है उस झगड़े की ये सोच है इस नो कॉन्टैक्ट की ओके एस ऑफ कप्स जस्टिस ओके फाइव ऑफ वर्ड्स पेज ऑफ व 6 of swords the devil 7 of swords knight of pentacles at the bottom is 2 of wands right okay so i hope so you all can see the cards properly right Yes. So, यस, सो पर जो जोरियक्स हैं गायस वो हैं सबसे पहले जर्मनी लिबरा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियन पाइस चोरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड एरीज लियो सेजटेरस यानी ऑलमोस्ट सारे ही साइंस यहाँ पर आई कैन सी ठीक है सारे ही अर्थ साइंग एयर साइंग वाटर साइंग फायर साइंग ऑल साइंग्स आते आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं एंड uh, जो मुझे आज जैसे आपके पर्सन के इनर थॉट्स जो दिख रहे हैं उनके इट वाज लाइक जो उनके ट्रू इमोशंस आपको लेकर दिख रहे हैं ना तो वो है यानी बहुत ज़्यादा आपको लेकर आपके पर्सन ना इमोशनल फील कर रहे हैं ठीक है वो जैसे ना उनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर वो आपको अपना मानकर बैठ चुके शायद इसीलिए आपने उनके uh, जो उनके साथ जो भी वो बिहेवियर रखते थे आपने इस चीज़ को नोट करा होगा खुद जरूर नोट करा होगा कि आपके पर्सन ठीक है तभी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझते थे कि उनका ना आप पर हक है उनको ऐसा लगता था कि आप आ, ही उनके लिए बने हो ठीक है उनकी ये सोच कहीं ना कहीं शुरू से रही है और इवन अभी भी उनकी सोच यही है ठीक है उनको ऐसा लगता है कि चाहे ये नो कॉन्टेक्ट हो चुका है उनको ऐसा लगता है चाहे ये गैप क्रिएट हो गया है आप लोग बात नहीं कर पा रहे हो ठीक है कम्युनिकेशन नहीं है लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो दिख ही रहा है फाइट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में uh, जिनका रीजन मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है क्योंकि Uh, आप लोगों की लाइफ में ये थर्ड रोमांटिक पार्टी इन्वॉल्व है मोस्टली जितने लोग देख रहे हैं ना आई कैन सी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा एक्टिव है आपके रिलेशनशिप में ठीक है लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे वो इस चीज को ना बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि वो आपकी इमोशनल वीकनेस है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज को ना आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं ठीक है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप जो है उन्हीं के लिए बने हो उन्हीं के सोलमेट हो और आप उन्हें छोड़कर जैसे कहीं जाने वाले हो ही नहीं आपके पर्सन इस एनर्जी में है ठीक है उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो इस रिलेशनशिप को चलाते थे या फिर चला भी रहे हैं अभी ठीक है जहां तक कि मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है ना तो वो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको अपने अकॉर्डिंग चलाते थे अपने अकॉर्डिंग चलाने का मतलब है जब उनकी मर्जी होती थी वो आपसे बात करते थे जब उनकी मर्जी होती थी वो आपको नो कॉन्टैक्ट भी दे देते थे ठीक है कॉल मैसेजेस सब बंद ब्लॉक कर देना आपको आपके पर्सन ने मे बी देर इज अ चांसेस कि शायद उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है ठीक है और वो बिल्कुल भी ये नहीं चाह रहे हैं कि आप उन्हें मैसेज करो या कॉल करो ऐसी कोई सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर दिख रही है लेकिन जैसे हम आज उनकी एनर्जी चेकआउट कर रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स चेकआउट कर रहे हैं तो ट्रूली तो वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ट्रूली आपके लिए बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट फील करते हैं और उनको ये भी पूरा यकीन है जैसे यूनिवर्स पर कि आप उनके उनसे अलग नहीं होगी एक बॉन्ड कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच में ना क्रिएटेड दिख रहा है मुझे जैसे आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ बॉन्ड्स हैं ठीक है एक बंधे हुए से हो आप दोनों ठीक है अगर आप इस अगर आप इस एनर्जी को देखो अगर आप इस डेवल को देखो ना ये जो चेन आपको दिख रही है अगर ये पर्सन पीछे हटने की कोशिश करें और चेन खिंचती है तो ये पर्सन वापस उसकी तरफ ही जाता है राइट ऐसा ही होता है ना अगर हम खुद आगे जाएं किसी से बंधे हुए हैं आई होप सो आप इस पॉइंट को समझ रहे हो तो सामने वाला बंदा भी खिंचेगा वो आपकी सिचुएशन है आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो ठीक है तो आपके पर्सन खिंचाव से आपकी तरफ आता है और उनका कोई कॉल या मैसेज आपकी तरफ आ जाता है राइट और आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो वही सिचुएशन आपके पर्सन की भी है वो भी जब मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं वहीं पर क्योंकि आप दोनों बंधे हुए हो तो वो चेन फिर से खिंचती है आपकी कोई याद उन्हें आ जाती होगी आपका कोई मैसेज या कॉल उनकी तरफ आ जाता होगा कोई थर्ड पार्टी आकर उनकी बात आपसे करने लग जाती होगी तो ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है यानी आप दोनों जब भी मूव ऑन करने की कोशिश करते हो तो आपको सामने वाला पर्सन का मैसेज कॉल आ जाता है उसके कोई ध्यान आ जाता है कि उसके कोई इमोशंस उसकी कोई मेमोरीज आपके माइंड में आ जाती हैं जो आपको मूव ऑन नहीं करने दे, देती आगे अगर हम देखें ना तो इट वॉज लाइक आपके पर्सन अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं तो थर्ड पार्टी से भी उनकी बहुत ज्यादा फाइट होती है और उसका रीजन आप हो क्योंकि आपके पर्सन हर वक्त जैसे आपके ख्यालों में खोए रहते हैं हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं हर वक्त वो थर्ड पार्टी के साथ भी आपका कंपैरिजन करते रहते हैं यहां पर भी टू ऑफ एंड की एनर्जी है यानी हर वक्त थर्ड पार्टी के साथ आपका कंपैरिजन करते रहना दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन करते रहना कि मेरे लिए कौन जरूरी है मुझसे मैं किसके साथ इमोशनली अटैच हूं तो वो वाली एनर्जी आपके पर्सन की हर टाइम रहती है और जब ये चीज थर्ड पार्टी देखती है तो उनकी थर्ड पार्टी से भी बहुत फाइट होती है थर्ड पार्टी भी उनको कहीं ना कहीं ये बातें सुनाती है जैसे आ, कि ठीक है अगर तुम उसे पसंद करते हो तो जाओ ना उसके पास मेरी तरफ क्यों क्यों देख रहे रहे हो हो मेरे साथ ही क्यों रह ऐसी कोई बातें उनकी थर्ड पार्टी के साथ भी होती रहती हैं जो कि फाइट्स बन जाती हैं बाद में वो छोटी छोटी बातों ना उनकी बड़ी बड़ी फाइट बनती हुई दिख रही है तो मे बी थर्ड पार्टी के साथ भी शायद आपके पर्सन का कनेक्शन अच्छा नहीं है जस्टिस का कार्ड हमें ये चीज कह रहा है लाइक Uh, कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपका रिलेशनशिप बहुत अनफेयर रहा है और सेम सिचुएशन आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के साथ भी है ये जो एक रिलेशनशिप बना है ना uh, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा हो चुका है राइट right? ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा रिलेशनशिप आपका थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का हो चुका है जहां पर आप तीनों को ही ये महसूस हो रहा है तीनों ही क्लैरिफाई नहीं हो कि आगे क्या होने वाला है तीनों ही इस रिलेशनशिप का आउटकम नहीं समझ पा रहे हो तीनों ही आगे कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे हो आप भी कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे हो अपने पर्सन से कांटेक्ट करने के लिए ना ही आप उन्हें कॉल मैसेज कुछ नहीं करना चाह रहे हो और वही सिचुएशन आपके पर्सन की भी है वो भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतना कुछ कह के तो वो आपसे गए थे और अब वो आपसे किस मुंह से आकर आपसे बात करें किस मुंह से आपको आकर क्लैरिफाई करें कि क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में और थर्ड पार्टी की भी ऐसी सिचुएशन है क्योंकि थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इतने उन्होंने क्लेवर तरीके से इतने टैक्टिक्स के साथ उन्होंने आपके पर्सन को अपना बनाया है और अब आपके पर्सन को छोड़ना भी नहीं चाहती है ठीक है इसलिए चीजें आप लोगों के बीच में आप सबके बीच में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रखी हैं और यही आपकी भी सिचुएशन है जितना मर्जी आगे भाग लो जितना मर्जी लेकिन फिर भी उनकी तरफ देखते रहते हो और यही आपके पर्सन की भी एनर्जी है तो कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन के ट्रू इमोशंस, उनकी दिन रात की फीलिंग्स हैं, ठीक है हर वक्त ये सोच है जो उनके दिमाग में चलती रहती है आपको लेकर कि क्या है आउटकम इस रिलेशनशिप का ओके सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड अगर uh, आपके साथ रेजोनेट करी तो डेफिनेटली बताएं मुझे थैंक यू सो मच बाय बाय ठीक है